बचाओ बचाओ हमें बचाओ बचाओ, इतने सारे नागिन हमें मार डालेंगे, बचाओ। बिमला और राजेश जंगल के बीचों बीच दौड़ रहे हैं। 10 नागिन उनका पीछा कर रही हैं। वो दोनों बहुत ही डरे हुए हैं। उनके सामने अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वो लोग जान बचाने के लिए दौड़े जा रहे हैं। और अचानक उनके सामने एक इच्छाधारी नागिन चली आती है और अपनी जहरीली जीभ निकाल कर कहती है, अब क्या होगा, तुम लोगों को कौन बचाएगा। इतनी सारी नागिन इन दोनों के पीछे क्यों पड़ी है, आखिर इन दोनों ने किया क्या है, इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। बिमला अपने बेटे राजेश के साथ रहती है, वो गर्भवती है। एक महीने पहले ही उसके पति का एक बीमारी के कारण निधन हुआ। कुछ महीनों बाद बिमला को एक बेटी होती है, बिमला उसका नाम पायल रखती है। एक दिन राजेश अपनी बहन को गोद में लेकर खेलने लगता है। राजेश की उम्र अभी 15 साल है, वो पढ़ाई के साथ साथ घर भी संभालता है। राजेश पायल को गोद में लेकर खेल रहा है। बिमला रसोई में जाती है और चिल्ला उठती है, सांप सांप बचाओ बचाओ। बिमला की चीख सुनकर राजेश पायल को गोद में लिए हुए दौड़कर रसोई में जाता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा सांप फन उठाकर बैठा है। राजेश भी डर जाता है, मगर तभी वो सांप अचानक से सर नीचे कर लेता है और वहां से चला जाता है। बिमला की जान में जान आती है। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं, पायल बड़ी होने लगती है, वो 10 साल की हो जाती है। पायल एक रात को रोज की तरह नींद में खोई हुई है, बिमला उसके पास सोई हुई है। अचानक नींद में पायल को एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज सुनकर लगता है कि वो कोई इंसान की नहीं है। पायल पायल, तुम कभी अपने मकसद को भूल मत जाना। पायल, तुम हमारे लिए वहां पर हो। पायल, ये आवाज सिर्फ पायल को ही सुनाई देती है। पायल की नींद नहीं टूटती, मगर वो उठकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो नींद में चलने लगती है। ऐसे चलते चलते वो घर से निकलकर जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में एक जगह पहुंचकर वो खड़ी हो जाती है। 2-3 सांप उसके पैर के ऊपर से चले जाते हैं, मगर उसे कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि वो अभी नींद में है। उधर बिमला की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि पायल कमरे में नहीं है। अरे ये क्या, पायल कहाँ गई, पायल पायल। तभी बिमला को भी वो आवाज सुनाई देती है, बिमला तूने जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी ही होगी, वो समय आने ही वाला है। ये सुनकर बिमला का गला सूख जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और डर के मारे उसका पसीना छूट जाता है। तभी पायल आ जाती है और कहती है कि वो बाथरूम गई थी। वो लोग सो जाते हैं। खिड़की से एक सांप उन दोनों की तरफ देखता ही रहता है। अगले दिन सुबह बिमला पिछली रात की बात राजेश को बताती है। राजेश अभी 25 साल का जवान है, वो कहता है, अरे माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है वो लोग 20 साल पहले की बातों का बदला लेंगे। अरे माँ आप कितनी भोली हो। मगर बिमला डरी हुई रहती है क्योंकि 20 साल पहले जो हुआ था वो उसे हर रोज याद आता है। बिमला ये सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। बिमला जाकर दरवाजा खोलती है, एक आदमी एक पार्सल लेकर खड़ा है। बिमला वो पार्सल लेती है, वो आदमी अभी भी खड़ा है। बिमला पार्सल का बक्सा खोलती है और अचानक उसके अंदर से कुछ चमगादड़ उड़कर बाहर आते हैं। बिमला बक्सा फेंक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे बाप रे ये क्या। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। बिमला कुछ कहने जाती ही है कि तभी वो देखती है कि वो आदमी वहाँ से गायब है। कोई इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। बिमला उठकर बाहर की तरफ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि एक सांप उसके घर से जंगल की तरफ जा रहा है। बिमला की रूह कांप उठती है। तभी वो सांप रुककर एक बार पीछे मुड़कर बिमला की तरफ देखता है और तभी बिमला को एक आवाज सुनाई देती है, बिमला तैयार हो जा, नाग पंचमी आने वाली है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बिमला और सह नहीं पाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो बिस्तर पर सोई हुई है। राजेश और पायल उसके सामने बैठे हैं। क्या हुआ माँ, आप बेहोश क्यों हो गई थी। तब बिमला घबरा कर सब कुछ बताती है। ये सुनकर राजेश कहता है, अरे माँ ये आपके मन का भ्रम है, आप अभी भी 20 साल पहले की बातों को लेकर परेशान हो रही है। 20 साल पहले,
क्या हुआ था भैया 20 साल पहले? राजेश 20 साल पहले की एक घटना के बारे में बताना शुरू करता है। तब मैं 5 साल का था। मुझे सांपों से बहुत डर लगता था। वो डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। राजेश तब छोटा था मगर बहुत ही ज्यादा असभ्य था। उसे दूसरे जानवरों को चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता था। वो हमेशा कुत्तों को डंडे से मारता था और जब वो कुत्ता दर्द से कराता था तब उसे बहुत मजा आता था। बिमला ने कभी उसे रोका नहीं बल्कि इस बात को बढ़ावा दिया। बिमला का पति काम से बाहर रहता था इसलिए उसको ये सब पता नहीं था। ऐसे ही राजेश की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। बिमला भी उसका पूरा साथ देती चली गई। राजेश जहां भी सांप देखता था डंडा लेकर उसका पीछा करता था। ऐसे ही नागपंचमी के दिन एक सांप का पीछा करते हुए राजेश एक जंगल के बीच में चला गया। बिमला भी उसके पीछे पीछे चली गई और वहां जाकर दोनों ने देखा कि एक जगह पर बहुत सारी नागिन बैठे हुए हैं। तभी राजेश बिमला से कहता है, माँ देखो कितने सारे नागिन हैं। मैं इन सबको आग से जलाकर मार डालना चाहता हूँ। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा। ये बोलकर दोनों जंगल में आग लगा देते हैं और तमाशा देखते हैं। सारी नागिन जलकर राख हो जाती है। दोनों को ये देखकर बहुत मजा आता है। इसके बाद वो दोनों घर चले आते हैं। आग भी बुझ जाती है। तभी वहाँ पर नागराज और बाकी सारे सांप आते हैं। वो सारे नागपंचमी के दिन यहाँ वहाँ दूध पीने के लिए गए हुए थे। इन नागिनों के बीच नागराज की पत्नी उर्मिला नागिन भी मौजूद थी। वो भी जलकर राख हो गई। ये देखकर नागराज गुस्सा हो गए। उर्मिला नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी ही, मेरी पत्नी को उन लोगों ने मार डाला। मैं इसका बदला लूंगा। उर्मिला का फिर से जन्म होगा, वो इस हत्या का बदला लेगी। ये सब सुनने के बाद पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, ये तो आपने बहुत गलत किया भैया। गलत? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आज भी सांपों से मुझे नफरत है। तू पायल कुछ नहीं कहती। उस रात को फिर से वो नींद में चलकर घर से बाहर चली जाती है और फिर कुछ देर बाद लौट भी आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। ऐसे ही नागपंचमी का दिन आ जाता है। बिमला पूरे दिन डरी हुई रहती है मगर कुछ होता नहीं। रात को राजेश बिमला से कहता है। बिमला आराम से सो जाती है। राजेश दूसरे कमरे में सोता है। पायल रोज की तरह अपनी माँ के पास सो जाती है मगर कुछ देर बाद पायल फिर से नींद में उठकर चलने लगती है। आज बिमला ये सब देख लेती है। अरे बेटी कहाँ जा रही है तू बेटी? मगर पायल की नींद नहीं टूटती। बिमला राजेश को बुलाती है। राजेश वहाँ पर आता है। पायल घर से निकलकर जंगल की ओर चलने लगती है। अरे बेटी वापस आ बेटा, रोक उसे। अरे आज रोकेंगे तो वो फिर से जा सकती है ना। चुपचाप पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। वो दोनों पायल का पीछा करने लगते हैं। पायल जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं। तभी 10 नागिन पायल के पास आती हैं और पायल हाथ ऊपर करके नागिनों की तरह नाचने लगती है। बाकी नागिन भी उस ताल में सिर हिलाते रहते हैं। ये देखकर बिमला और राजेश के होश उड़ जाते हैं। अरे 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 ये क्या क्या कर रही है मेरी बेटी? पता नहीं माँ, अब मुझे डर लगने लगा है। तभी उन दोनों को चौंका कर पायल बोल उठती है, डर लगना भी चाहिए। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। वो दोनों चौंक जाते हैं। पायल उन दोनों की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें नीली हो गई हैं और वो आंखें जल रही हैं। तभी बाकी नागिन मनुष्य के रूप में आ जाती है। बिमला डर कर कहती है, ये क्या पायल बेटी, ये क्या कर रही है तू? मैं पायल नहीं हूँ। तो फिर कौन है तू? तभी पायल एक इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाती है। एक जवान नागिन औरत, एक खूबसूरत औरत। वो कहती है, मैं उर्मिला हूँ, नागराज की पत्नी। तुम दोनों ने 20 साल पहले मुझे ही जला दिया था और फिर मैंने तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बेटी के रूप में पुनर्जन्म लिया बदला लेने के लिए। पकड़ो उन्हें। उर्मिला के कहने पर वो 10 इच्छाधारी नागिन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं। बचाओ बचाओ हमें बचाओ बचाओ, इतने सारे नागिन हमें मार डालेंगे, बचाओ। वो दोनों बहुत डरे हुए हैं। उनके सामने अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो लोग जान बचाने के लिए दौड़े जा रहे हैं और अचानक उनके सामने एक इच्छाधारी नागिन चली आती है और अपनी जहरीली जीभ निकाल कर कहती है,
अब क्या होगा, तुम लोगों को कौन बचाएगा? तभी वहाँ पर नागराज प्रकट होते हैं। उर्मिला, बदला लेने का समय आ गया है, मार डालो इन्हें। उर्मिला दोनों को डस लेती है, दोनों के शरीर के अंदर जहर चला जाता है और दोनों का शरीर अंदर से जलने लगता है। दोनों दर्द से चीख उठते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। अब पता चला जिंदा चलना कैसा होता है। उर्मिला का बदला पूरा होता है, नागराज बदला लेकर संतुष्ट होते हैं और इसके बाद नागराज उर्मिला के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये कहानी आज से 500 साल पुरानी है। उस समय विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह थे। विक्रम सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। विक्रम सिंह की पत्नी का नाम था सुभद्रा। रानी सुभद्रा इन दिनों गर्भवती थी। एक रात रानी सुभद्रा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की दासियों को समझ आ गया कि रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। महाराज को तुरंत खबर भिजवाई गई। फिर दासियां रानी के प्रसव की तैयारी करने लगी। सुभद्रा दर्द से कराह रही थी। बस महारानी, थोड़ा समय और, शीघ्र ही आप एक बच्चे को जन्म देंगी। थोड़ी देर बाद रानी ने जन्म तो दिया, लेकिन किसी बच्चे को नहीं, एक नागिन को। सारी दासियां उस नागिन को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगी। अरे अरे, ये तो नागिन है, ये क्या अनर्थ हो गया, रानी के गर्भ से नागिन का जन्म कैसे हो गया। महारानी सुभद्रा जो बच्चे के जन्म के साथ मूर्छित हो गई थी, उन्हें जब होश आया और उन्होंने अपने बगल में एक नागिन को लेटे हुए देखा तो वो भी जोर से चिल्ला उठी, नहीं नहीं, ये तो नागिन है नागिन। और चिल्लाने की आवाज के साथ ही सुभद्रा की नींद खुल गई। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और महाराज उनकी ओर चिंतित होकर देख रहे हैं। क्या हुआ महारानी, आप इस तरह क्यों चीखी, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ महाराज, बहुत ही बुरा, मैंने देखा कि मेरे गर्भ से एक नागिन का जन्म हुआ है। नागिन? हाँ महाराज, नागिन। मुझे अपने कोख में पलने वाले बच्चे की चिंता हो रही है महाराज। अरे महारानी, आप परेशान ना हो, वो केवल एक स्वप्न था। स्वप्न और स्वप्न के बारे में सोचकर क्यों चिंतित होना, चलिए अब आप आराम से सो जाइए। महाराज ने सुभद्रा को सोने के लिए कह तो दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखों के आगे वही स्वप्न बार बार घूम रहा था और महारानी के जहन में एक और बात भी उसी स्वप्न की तरह घूम रही थी। क्या ये स्वप्न सत्य हो जाएगा, क्या उस ऋषि का श्राप मुझे सच में भुगतना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए सुभद्रा कुछ महीने पहले की यादों में चली गई। उस दिन सुभद्रा जंगल में अकेले ही शिकार करने गई हुई थी। सारा दिन वो जंगल में भटकती रही, लेकिन उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। लगता है मैं जंगल में बहुत दूर निकल आई हूँ, लेकिन आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। ओह, अब तो मुझे थकावट भी हो रही है और जोरों की प्यास भी लग रही है। सुभद्रा अपने घोड़े में सवार पानी की तलाश में निकल पड़ी। तभी उसे दूर एक पानी का झरना दिखा और झरने के पास ही उसे तीन हिरण दिखाई दिए। हिरणों को देखते ही सुभद्रा के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, यहाँ तो जल भी है और शिकार भी। ये सोचते हुए सुभद्रा ने अपने धनुष पर बाण चलाया और बाण का निशाना हिरण पर लगाया। सुभद्रा का निशाना बहुत ही अचूक था। उसने एक एक कर तीनों हिरणों को बाण मार दिया। तीनों हिरण जमीन पर गिर पड़े, लेकिन गिरने के साथ ही वो इंसानों की आवाज में दर्द से कराहने लगे। आ, 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 सुभद्रा ने जब उन हिरणों को इंसानों की तरह दर्द से कराहते देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वो तीनों हिरण इंसानों में बदल गए। उनमें से एक ऋषि थे, एक उनकी पत्नी और एक उनका बच्चा। सुभद्रा उन्हें देखकर घबरा गई और दौड़कर उनके पास गई। आप लोग कौन हैं? अच्छा, तो वो तू है जिसके बाण ने पल में ही मेरे पूरे परिवार को मृत्यु के नजदीक पहुंचा दिया। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दें, मुझे नहीं पता था कि हिरण के वेश में आप लोग हैं। क्षमा? किस बात के लिए क्षमा कर दूं मैं तुम्हें, किस बात के लिए,
तुमने हम निर्दोषों को मार दिया। पल भर में मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने हम तीनों की साधना को भी भंग कर दिया। नहीं, इस गलती की क्षमा नहीं, सजा मिलेगी। हाँ ऋषिवर, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ऋषि के सामने ही उसकी पत्नी और बेटे ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी और पुत्र के शव को देखकर ऋषि की आंखों में खून उतर आया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि बहुत जल्द ही तू गर्भवती होगी और तेरी कोख से एक नागिन का जन्म होगा। ऋषिवर, ये कैसा श्राप दे दिया आपने? मैंने कहा ना, मुझसे भूल हो गई। मैं इसके लिए बार बार क्षमा मांगती हूँ। आप अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए ऋषिवर। सुभद्रा घायल ऋषि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। उसके आंसुओं से ऋषि के पैर भीग गए। उसकी ऐसी स्थिति देखकर ऋषि को दया आ गई। पुत्री, जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरा श्राप भी अटल है। तुम्हारे गर्भ से एक नागिन का जन्म तो होगा ही, लेकिन लेकिन क्या ऋषिवर? तब उस ऋषि ने सुभद्रा को अपनी पुत्री के नागिन से वापस इंसान के रूप में लौटने का उपाय बताया। तुम्हें अपने पति के साथ पाताल लोक जाना होगा। पाताल लोक में एक दैत्य रहता है, नागासुर। वो बहुत ही अत्याचारी है। वो पाताल लोक में रहने वाले नागवंश के लोगों को मार कर खा जाता है। तुम्हें और राजा को उसे मारना होगा, लेकिन उसे मारना आसान नहीं होगा। उसे मारने का सूत्र जब उससे युद्ध होगा उसी समय मिलेगा। उसकी मृत्यु के बाद एक आकाशवाणी होगी। तुम्हें उस आकाशवाणी का पालन करना है और उसी आकाशवाणी में तुम्हें हल मिलेगा तुम्हारी समस्या का। रानी सुभद्रा की आंखों के आगे सारा दृश्य फिर से घूम गया। सुबह उन्होंने राजा विक्रम सिंह को बुलाकर सब कुछ सच सच बता दिया। ये तुम क्या कह रही हो सुभद्रा? हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। ऋषि के श्राप के फल स्वरूप मेरी कोख से नागिन का जन्म होगा। राजा विक्रम सिंह को सुभद्रा की बातों पर विश्वास तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके गर्भ से सच में एक नागिन का जन्म नहीं हो गया। रानी के गर्भ से नागिन के जन्म की बात पूरे राज्य में फैल गई। उनकी प्रजा तरह तरह की बातें करने लगी। अरे, मेरे अनुसार महारानी को उस नागिन को जंगल में छोड़ाना चाहिए। अब भला एक नागिन और इंसान का क्या मेल? बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या पता कल को वही नागिन राजा और रानी की जान की दुश्मन बन जाए। माना कि वो नागिन उसकी कोख से जन्मी है, लेकिन है तो वो सांप ही। उसे जब मौका मिलेगा वो उन्हें डस लेगी। हाँ, विक्रम सिंह की प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए कई लोग राजा से मिले और उस नागिन को जंगल में छोड़ने की बात कही। लेकिन एक पिता और माता के लिए ये कैसे संभव होता कि वो अपनी औलाद को जंगल में छोड़ देते? महारानी, आपने कहा था कि ऋषिवर ने हमें पाताल लोक जाने के लिए कहा था, लेकिन हम पाताल लोक कैसे जा सकते हैं? हमें तो उसका मार्ग पता नहीं है। एक रात विक्रम सिंह और रानी सुभद्रा इसी बात को लेकर चिंतित थे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी औलाद यानी वो नागिन रेंगते हुए कहीं जा रही है। वे दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो नागिन जंगल के पास वाले तालाब में प्रवेश कर गई। राजा और रानी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े और पल में ही वो उस तालाब के अंदर एक दूसरी दुनिया में थे। महारानी, लगता है यही पाताल लोक है। वो आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी नजर नागसुर पर पड़ी जो एक नाग को अपने हाथों से पकड़कर निगलने वाला था। विक्रम सिंह ने उसे ललकारा तो नागासुर उनकी ओर लपका। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई हुई। धीरे धीरे नागासुर विक्रम सिंह पर हावी होने लगा। तभी रानी ने देखा कि नागासुर के पैरों में लोहे के नुकीले जूते हैं। वैसे जूते उसने कभी नहीं देखे थे। ऋषिवर ने कहा था कि नागासुर को मारने का सूत्र उससे युद्ध के दौरान ही मिलेगा। मैं समझ गई, इस नागासुर की शक्ति इसके जूते के कारण ही है, क्योंकि इस तरह के जूते तो मैंने आज तक नहीं देखे। उसने विक्रम सिंह को इशारों ही इशारों में ये बात बताई। नागासुर जब विक्रम सिंह पर हमला करने वाला था तो विक्रम सिंह ने उसके पैरों को काट डाला। पैरों के कटते ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के साथ ही एक आकाशवाणी हुई। सुभद्रा, नागासुर के जूते को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो। दो दिन बाद फिर से उस मिट्टी को निकाल देना
उस समय उन जूतों की जगह एक जल की शीशी मिलेगी, उसे अपनी पुत्री जो नागिन रूप में है उस पर छिड़क देना। वो उसी समय इंसान के रूप में आ जाएगी। तुम उसे उसी समय लेकर धरती लोक चले जाना, लेकिन एक भी बार पीछे मुड़कर मत देखना। आकाशवाणी के अनुसार ही विक्रम सिंह और सुभद्रा ने सारी चीजें की। नागासुर के जूतों को पहले मिट्टी में दबाया गया और दो दिन बाद उस गड्ढे में मिली जल की शीशी का जल नागिन पर छिड़का। वो तुरंत एक सुंदर सी बच्ची में बदल गई। उसके बाद राजा तुरंत धरती लोक की ओर लौट गया। सुभद्रा को उसके श्राप से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।